ये देख लीजिए, अब मैं आधा इंडिया में आधा बांग्लादेश में। जो बांग्लादेशी भाई थे इंडिया में अपनी गाय भैंस चराने आ गए हैं। गारो में क्या बोलेंगे आप? हत्ती। गुड इवनिंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोनों भाई तूरा पहुंच चुके हैं। पहुंचते ही मैंने बाइक निकाली सबसे पहले। ये क्या हो गया भाई? ये भी नया लगवाना ही पड़ेगा लग रहा है आपकी बार। एकदम गल गया है यार। अरे शोकर लीक हो रहा है। शाबाश, अभी पहले इसके शोकर लीक होने लग गए हैं, देख रहे हो आप। कितने किलोमीटर चली है ये? 15,592 किलोमीटर पे इसके शोकर लीक हो रहे हैं। ये भाई साहब बाइक भी पैक हो चुकी है। ये ऊपर वाला अपना हेलमेट एकदम ढंग से स्ट्रैप वेप लगा के बैग पैक, आगे वाला भी टेंट आपके बार मैंने आगे लगाए हैं। ओके क्यों भाई, थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। बाय यार। ये थे केमो भाई, जिनके साथ माज पूरे गारो के जो एरिया थे वो घूम रहा था। और अब मैं निकल रहा हूँ बागमारा की तरफ। आज आगे वाला जो रास्ता है मस्त होने वाला है भाई। ये लीजिए भाई, खतरनाक वाला रास्ता शुरू हो गया है। ये रास्ता अच्छा है पर अभी इसका कई जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो एकदम पता नहीं चलता है कहाँ पे एकदम ख़राब आ जाता है कहाँ पे एकदम बढ़िया। थोड़ा संभल के भी चलाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक अच्छा रोड है वहाँ पे स्पीड ठीक ठाक रखनी है मेरे को, ताकि जितना जल्दी हो सके मैं ज़्यादा किलोमीटर कवर कर लूँ लेकिन सेफली। अब तक आपके भाई ने 2720 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। अरे 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 बेटा कर्व ले ले। बता रहा था ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार, तो ऐसे ही रास्ते आएंगे, कभी अच्छे आ जाएंगे कभी ऐसा रास्ता आ जाएगा, लेकिन एकदम ख़राब नहीं आएगा ऐसा केमो भाई ने बताया था कि जल्दी पहुंच जाओगे। अब भाई रोड तो अच्छा आ रखा है बहुत देर से कम 10 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहा है प्लेन अच्छे वाला। भाई वापस से प्लेन एरिया में आ गया हूँ और इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट हो गया है। ये जो लाइट दिख रही है ये बॉर्डर की लाइट है, और उस साइड जो लाइट दिख रही है वो बांग्लादेश की लाइट। भाई इतना करीब चल रहे हैं बॉर्डर के। भाई ये फेंसिंग है यार, भाई इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग पे चल रहा हूँ मैं। राइट साइड में बांग्लादेश, बीच में नो मैंस लैंड। खतरनाक भाई। अरे सर जी बागमारा। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है ना? धन्यवाद यार। क्या हो गया, फेंसिंग राइट साइड कैसे आ गई मेरे भाई साहब? तगड़ी फीलिंग है यार, खतरनाक वाली। अभी बीएसएफ वाले भाई से पूछा था कि सर जी बागमारा यही है क्या? सीधा बोलते हाँ हाँ, मैं फेंसिंग के राइट साइड में चल रहा हूँ। हाँ अब फेंसिंग वापस से राइट साइड में चली जाएगी। हाँ ठीक है जी, ठीक है, अब सही लग रहा है यार। अरे अपने बीएसएफ के जवान ऐसे खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर भाई, हर 100-100 मीटर के ऊपर अपने जवान हैं, तो इन अपने जवानों की तारीफ करनी पड़ेगी भाई। हम चैन से सो रहे हैं और ये हमारे लिए हमारी सेवा कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू इंडियन बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सर जी नमस्कार। मुझे समझ नहीं आ रही बॉर्डर रोड तो ऑफ कोर्स राइट साइड में बांग्लादेश मेरे को दिख रहा है इंटरनेशनल बाउंड्री, लेकिन ये पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है? होगा यार मे बी, क्योंकि तैनाती मस्त है इस रोड के ऊपर भाई। खतरनाक सी ना, कम से कम भी 35 के आसपास आती हैं, छोटे बच्चे भी हैं यार, ये सब बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। भाई तगड़ा सीन था, देख रहे हो आप। मैं ये रास्ता क्रॉस कर लेता और अभी जीरो लाइन में चलता मैं, लेकिन क्या हुआ, हाथियों ने तांडव मचा रखा था और उस हाथियों के तांडव के कारण मैं वो जीरो लाइन में नहीं जा पाया। नहीं तो जीरो लाइन में भी आप जा सकते हो, जीरो लाइन बोले तो आप ना इंडिया में हो ना बांग्लादेश में हो।
ये मान लीजिए बॉर्डर के ऊपर आखिरी हो, इसके आगे फिर बांग्लादेश है। खतरनाक यार, मजे आ जाते अगर वो हाथी नहीं होते ना। पर हाथियों का अलग से 37 या 40 हाथियों का झुंड था। वो BSF वाले भाई बता रहे थे कभी इंडिया में चले जाते हैं, कभी बांग्लादेश में चले जाते हैं। अब मैं जो दूसरा मेन हाईवे है ना बॉर्डर रोड को छोड़ के, उस पर पहुँच गया यार। काश उस रोड पे चल पाता मैं, कोई नहीं, मैं वो ट्राई करूँगा। अपने जीरो लाइन पे चलने का मज़ा ही कुछ और होता है। भाई वहाँ नहीं तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे को जीरो लाइन पे चलने का मौका मिल गया। मैं अभी जीरो लाइन के पे चल रहा हूँ और लेफ्ट साइड में फेंसिंग है मेरे, ना अभी मैं इंडिया में हूँ ना अभी मैं बांग्लादेश में हूँ। भाई खतरनाक एक्सपीरियंस था ये वाला, मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। भाई 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 बड़े मुश्किल से पहुँचा हूँ यार। कम से कम भी है ना अपने BSF वाले भाइयों से 3 या 4 गेट खुलवाने पड़े हैं। रात को ये बॉर्डर रोड बंद हो जाते हैं। खतरनाक एक्सपीरियंस है, दिस एक्सपीरियंस आई विल रिमेम्बर फॉर माई होल लाइफ टाइम। साहब खतरनाक से जलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं बागमारा में, और बागमारा मुझे इनवाइट किया था मार्क भाई ने। थैंक यू मार्क भाई। यहां पे मार्क भाई अपने दोस्तों के साथ कैरम खेल रहे हैं, और इस कैरम की सबसे खतरनाक बात क्या है, पाउडर यूज करने की जगह ये भाई मैदा यूज करते हैं। कारण क्या है, स्टिकी जल्दी होता है क्या मैदा? भाई कह रहे हैं पाउडर ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है और इतना कंट्रोल नहीं रहता। मैदा डालने के बाद कैरम बोर्ड के ऊपर कंट्रोल अच्छा होता है और स्लिपरी भी ठीक ठाक, बीच बाच का बैलेंस बन जाता है इधर। भाई साहब खतरनाक प्लेयर हो यार। मार्क भाई ने ना खाना वाना एकदम ला के तैयार रखा था, मैं अभी एक बार खाना खा लेता हूँ। खाना खा के फिर आप लोगों से बात करूँगा मैं। रूम के अंदर आते सबसे पहले खाया मैंने खाना, वो जो मार्क भाई थे ऑलरेडी वो खाना लेके आ गए थे मेरे लिए। एंड यार थैंक यू मार्क भाई। मार्क भाई को मैंने काफ़ी वेट करवा दिया था, स्पेशली मार्क भाई ने मुझे इस जगह के लिए इनवाइट किया था। बहुत तगड़ी जगह है यार, और यहाँ तक आने में जो मुझे दिक्कतें हुई उसका मैं क्या ही बताऊँ। सबसे पहले क्या होता है कि तूरा से बागमारा आने में 2 रास्ते दिखा रहा था, एक रास्ता थोड़ा पहाड़ों के ऊपर से जा रहा था और दूसरा थोड़ा प्लेन में जा रहा था। मैं यार रात को प्लेन वाला ही रास्ता सही रहेगा, पहाड़ों वाला रास्ता क्यों ले। फिर मैंने गूगल के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, गूगल भी यही वाला रास्ता सही दिखा रहा। फिर भाई मैं पहुंच गया बॉर्डर रोड के ऊपर, मेरे को साथ में फेंसिंग दिखने लग गई। मैं भाई साहब क्या ये तो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर आ गया। चलता रहा, फिर गेट खुलते रहे, मैं चलता रहा। और भाई साहब बाद में फिर गेट बंद मिलने स्टार्ट हुए। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, कई जगह मैंने लिटरली बंदों से रिक्वेस्ट की भाई साहब प्लीज़ गेट खोल दो। बोलते कि आपको डर नहीं लग रहा क्या, आपके नाम पे कोई भी ऐसे भी, आप रात को बॉर्डर के ऊपर चल रहे हो, अगर कोई कुछ भी आपके नाम लगा सकता है और आप जेल में भी जा सकते हो। मैं यार भाई मेरी गलती नहीं है, मैं गलती से इस रास्ते पे आ गया, गूगल मुझे लेके आ गया, और सच में मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी बॉर्डर के रास्ते के ऊपर चलने की। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था एडवेंचर, लेकिन एंड आते आते मुझे डर लगने लग गया था, सच में डर लगने लग गया था। रास्ते में वो हाथी वाला सीन हो गया, हाथी आपने देखे थे कितने ज़्यादा आ गए थे, एक हाथी तो अटैक करने वाला भी था। लेकिन यार तगड़ा एक्सपीरियंस था सच में। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कभी इस वाले एरिया में आते हो, मेघालय में जो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ साथ अपना जो रोड चलता है बॉर्डर वाला रोड, उसके ऊपर दिन में भी जब आप बाइक राइड करोगे आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट लेवल सीन था आज रास्ते में, मैंने इस टाइप की चीज़ सच में एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग चीज़ थी और डरावनी चीज़ भी थी यार। बाकी आज सही था ना रीडिस्कवरिंग इंडिया, आज वाली वीडियो के ऊपर बड़ा तगड़ा सेट हो रहा है इस ट्रिप का नाम। अब मैं सो रहा हूँ, आप लोगों से मिलूंगा मैं कल सुबह मॉर्निंग के अंदर। थोड़ा मैं हिसाब भी कैलकुलेट करता हूँ कि आज कितने पैसे लगे और क्या क्या रहा सब कुछ, वो मैं जल्दी आप लोगों को बता दूंगा, कल सुबह बताता हूँ आप लोगों को।
गुड मॉर्निंग गाइस, जो कल शाम आपने देखा वो नेक्स्ट लेवल स्टफ था और उसी चीजों को मैं वापस से ढंग से और दिन में देखने जा रहा हूँ। कैसे हो मार्क भाई? बिंदास एकदम। थैंक यू यार फॉर इनवाइटिंग मी हेयर और ये सारा का सारा चीजों का जुगाड़ करने के लिए। खाना काफी सही था यार कल रात को। थैंक यू। तो अभी किधर जा रहे हैं? अभी हम लोग जाएगा बांग्लादेश बॉर्डर। रात यार मेरी सिटिंग फट रही है भाई, कहीं बांग्लादेश में तो नहीं घुस गया एक बार? तो लग भी रहा था गूगल मैप दिखा रहा था कि बांग्लादेश से होके आ रहा हूँ मैं। बांग्लादेश घुस के इंडिया निकल जाता है, ऐसे गए थे ना उसमें। ऐसे है क्या? तुम बांग्लादेश होके आया हो? देख भाई, ये बाइक अब बांग्लादेश में भी एंटर कर चुकी है। तो चले अब चला। तो भाई और बहनों, मेरी और मार्क भाई की जर्नी आज स्टार्ट हो चुकी है और आज हम दोनों जा रहे हैं गारो हिल्स की सबसे मोस्ट अमेजिंग जगह को देखने। उस जगह का नाम है वारीचोरा। तो भाई साहब, ये सामने जो आप देख रहे हो दैट इज बागमारा बाजार। ये देखिए, कल रात को इस टाइप के रास्तों से आया था। तो अभी जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ आपने देखा होगा जो फेंसिंग आ रखी थी वही था अपना इंटरनेशनल बॉर्डर। कई बार क्या होता है कि अपनी इंडिया साइड जो फेंसिंग है वो थोड़ी अंदर में कर रखी है फॉर द सेफ्टी इश्यूज़। और ये रोड कभी कभार जीरो लाइन के ऊपर भी आता है और कभी कभार थोड़ा बहुत कई बार बांग्लादेश के एरिया से भी गुजरता है। ये सारे बॉर्डर के गांव हैं, एकदम बॉर्डर के ऊपर सब लास्ट गांव, लास्ट विलेजेस ऑफ इंडिया। ये देखिए यार, ये है बांग्लादेश और सामने जो भाई आपको भाई दिख रहे हैं वही बांग्लादेश है। ये वाला तो इंडिया है ना, अभी जहाँ खड़े हैं अपन, इसे ये खेत बांग्लादेश में है। गजब सीन है, अभी मार्क भाई बांग्लादेश में चले गए। खतरनाक बॉर्डर अपने इंडिया और बांग्लादेश का। ये देखिए, इस पिलर के ऊपर लिखा भी है बांग्ला और इसके इधर इंडिया लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, अब मैं आधा इंडिया में आधा बांग्लादेश में। ये नीचे वाली ज़मीन बांग्लादेश की है और भाई कल रात को इसी रास्ते से आ रहा था मैं, यहीं से गया था यार मैं। मुझे नहीं पता था मैं बॉर्डर के इतने पास से होके आया था। पर ये रोड तो इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है ना? अभी वो देखिए जो बांग्लादेशी भाई थे इधर से बांग्लादेश से निकल के इंडिया में अपनी गाय भैंस चराने आ गए हैं। ये वाली सुपारी किसके, इंडिया की या बांग्लादेश की? अच्छा, ये इंडिया का है यार। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है यहाँ तो, लोग समझते कैसे हैं फिर? अच्छा, ये हर जगह टंगा होगा यार। ये मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था, बड़ा तगड़ा और विचित्र एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि एकदम कतई भाई अभी जैसे बांग्लादेश में जाके आ गया मैं। ये यूनिक एक्सपीरियंस है और मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ। ये रोड, इस रोड के ऊपर आप चल सकते हो, दिस इज़ अलाउड। आप बता रहे थे कि भाई यहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है नहीं, तो ज़्यादातर सब्जियाँ बांग्लादेश ही आती है ना? और अपने इंडिया से बांग्लादेश की तरफ क्या क्या जाता है? चावल वावल? चावल जाते हैं। और जैसे कि हल्दी। हल्दी तो वो बांग्लादेशी लेके जाते हैं, फिर अपने इंडियन लेके जाते हैं उधर? बांग्लादेशी लेके जाते हैं, जो मतलब सब्जी लेके आता है ना। हाँ, वही शाम को लेके चला। अपने इंडियंस नहीं जाते बांग्लादेश में? जाते हैं, मार्केट उधर भी लगता है इधर भी लगता है। तगड़ा है यार ये। भाई बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले तक कुछ लोग ढाका के अंदर यहाँ से अपने इधर इंडिया से ऐसे ही मैच देखने चले जाते थे बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के। खतरनाक सीन है यार ये तो। ये रहा भाई बॉर्डर, ये वाइट वाला, उधर बांग्लादेश इधर इंडिया, इधर अपने बंगाली भाई खड़े हैं। ओके, धन्यवाद दादा, चले अब। ठीक है, ये जो बॉर्डर वाला गांव है उसमें आ गए हम, एकदम ही बॉर्डर के ऊपर है। फेंसिंग सामने है इसके, सर 30 मीटर भी नहीं होगी यहाँ से। मार्क भाई बता रहे हैं ये वाली जो जगह है ना अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है और एकदम बॉर्डर के ऊपर।
भाई खतरनाक जगह है यार। जस्ट जीरो लाइन देखने के बाद भाई मुझे यहाँ पे एक छोटे से ट्रैक के ऊपर लेके आया, और यहाँ आने के बाद भाई पूरा कैनियन है, दोनों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ और बीच में एक छोटी सी वैली। और यहाँ से वाटरफॉल, बारिश के टाइम में बहुत अच्छा वाटरफॉल होता होगा ना। ये भाई उधर जाने का रास्ता, अभी तो हम वापस वहाँ से रिटर्न आ गए। तो भाई अभी जो यहाँ की ये फेमस जगह थी इसको देख के आ गए हैं, अब वापस से टाउन की तरफ जा रहे हैं और ये क्रॉस कर रहे हैं भाई नदी। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो एक ढाबा है ना उसके ऊपर आ गए, और यहाँ से फेंसिंग भी दिख रही है। जब हम उधर गए थे ना घूमने वो उस कैनियन के उस तरफ, उस कैनियन पे जाने से पहले मेरे को ये ढाबा दिखा था, मैंने भाई को बोला था कि आते टाइम यहाँ पे जरूर आएंगे। और यहाँ पे कुछ भाई और वायर ऑलरेडी बैठे हुए यार। यहाँ की लाइफ सच में बहुत अलग है मार्क भाई। हम जब नॉर्थ की तरफ रहते हैं उनको उनके तरफ एक सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर चीज़ें उतनी आसानी है जितनी बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश का तो अपने एकदम फ्रेंडली टाइप नेचर है कि आप भी कभी बांग्लादेश चले जाते हो, बांग्लादेश की भी लोग इधर कभी सामान वामान बेचने आ जाते हैं, उधर पूरा ही सिनेरियो अलग है। यहाँ का सिनेरियो सच में अलग है यार। थोड़ी देर पहले आपने वीडियो में देखा हुआ एक बांग्लादेशी भाई इंडिया में आके गायें चरा रहे थे, मैं तगड़ा सीन है। तो जो बांग्लादेश से कई बार सब्जियाँ वब्जियाँ बेचने लोग आते हैं तो वो यहाँ पे मार्केट में देते हैं, और वही सब्जी फिर BSF को भी खरीदनी पड़ती है। अब मजबूरी है भाई, अगर मान लो कई बार बारिश के टाइम पे कनेक्शन कट हो गया तो बांग्लादेश की तरफ तो पहाड़ वहाड़ है नहीं, वहाँ से सब्जी ईजिली आ सकती है इंस्टेड ऑफ जो ऊपर मेघालय की तरफ अगर वेट किया जाए तो। यहाँ पे दरंटे के पास बैठ के चाय वाय पी रहे हैं, देख रहे यार ये 30 से 40 मीटर फेंसिंग के बाद थोड़ी बहुत इंडिया के लैंड है, लेकिन रात के टाइम पे सारी फेंसिंग बंद हो जाती है। और इसके जस्ट सामने यहाँ पे गांव है, और ऐसी लाइफ है मेघालय के अंदर बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो बस यार अब वापस से हम जा रहे हैं, दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे खाना खाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने लंच किया नहीं था। भाई को भी आज मैंने भूखा भूखा मार दिया एकदम बुरे तरीके से। तो कल मार्क भाई मुझे यहाँ की एक मस्त सी स्पेशल जगह लेके जाने वाले हैं, जिसके लिए हम कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।